टीम इंडिया ने अपने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। जिस तरह इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 सीरीज स्टार्ट हुई, तब लगा कि जिम्बाब्वे इस बार टीम इंडिया को बराबर की टक्कर देगी। दूसरे T20 मैच के बाद भारत ने ऐसा कमबैक किया कि जिम्बाब्वे T20 सीरीज में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली और लगा कि इस बार जिम्बाब्वे इंडिया के खिलाफ सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि इस मैच में भारत को हर का सामना करना पड़ता है। दूसरे T20 मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन का टारगेट दिया। अभिषेक शर्मा ने इस T20 मैच में अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा और इसके बाद अर्थराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह ने इंडिया का स्कोर 234 तक पहुंचाया। इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 134 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारत सेकंड T20 मैच 100 रन से जीत गई और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। और तीसरे T20 मैच में भारत ने एक बार फिर जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 49 बोलों में 66 रन बनाए और टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत गई। अब टीम इंडिया की नजर चौथे T20 मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी, इसलिए टीम इंडिया इस मैच में अपनी खूंखार प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और सीरीज को अपने नाम करेगी। तो कैसी होगी चौथे T20 मैच की प्लेइंग 11, आगे जानते हैं। इस मैच में ओपन करते हुए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल नजर आ सकते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा, रियान पराग, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, संजू सैमसंग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, खलील अहमद इस प्लेइंग 11 के साथ चौथे T20 मैच में उतरेगी भारत। क्या भारत इस T20 मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी?